मैंने यूज कर रखा है बहुत सारे ईयरबड्स, बट मेरे पास आ चुका है काफी डिफरेंट सा ईयरफोन। ये है एको डॉट टच, और इसमें आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल्ली फंक्शनल है, और इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप सॉन्ग प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, और आप अपने फोन के कैमरे को इससे कंट्रोल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलती है। और इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन भी मिलता है, और इसमें आपको मिल जाता है 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसा ये ईयरफोन और किन सारे फीचर्स के साथ ये आता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, सबसे पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लो। तो कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है इको डॉट टच का, और सामने ईयरफोन बनाया गया, नीचे मेंशन किया गया है HD टच डिस्प्ले को, फिर उसके बाद यहाँ पे ANC अप टू 32 डेसिबल, मतलब यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है 32 डेसिबल तक का। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया AIENC, फिर इधर मेंशन किया गया रॉक पॉप क्लासिक और जैज मोड को, फिर पीछे की साइड इसके कुछ फीचर्स को मेंशन किया गया जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। और यहाँ पे हमें ये ईयरफोन दिख रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है ये बॉक्स, तो हमें ईयरफोन दिख रहा है। फिर इधर भी इसके कुछ डिटेल के बारे में मेंशन किया गया। तो बॉक्स को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रैप आता है प्लास्टिक में, प्लास्टिक को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये कुरियर वाले ने कुछ ऐसा कर दिया, मतलब लाने में दिक्कत हो गई होगी, तो ये ऐसा हो गया है। फिर उसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। फिर यहाँ से ये टेप लगा है, इस टेप को हटाते हैं, और ये टेप हट चुका है, और इसको हम करते हैं अनबॉक्स। तो ऊपर ही हमें ये रखा मिल जाता है एको डॉट, जो कि रैप है प्लास्टिक में, इसको रखते साइड में और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो और बॉक्स में मिलता है, इसमें हमें एक और सेक्शन मिल जाता है रखा हुआ, जिसपे कि एको की ब्रांडिंग भी है, और इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये हमें मिलता है यूजर मैनुअल, इसको रखते हैं साइड में, और ये मिलता है हमें USB टाइप A टू USB टाइप C केबल। और मैं पहली बार ईयरफोन में देख रहा हूँ इतनी बढ़िया क्वालिटी की केबल, काफी मोटी सी है। और फिर उसके बाद हमें मिल जाते हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, जिसको कि आप अपने कान के हिसाब से लगा सकते हो। अनबॉक्स करते हैं इस ईयरफोन को। तो ईयरफोन कुछ ऐसा दिखता है, और सामने की तरफ हमें डिस्प्ले मिल जाता है, और इन हैंड फील ईयरफोन का काफी अच्छा है, और काफी भारी भी है और अच्छा है। और फिर बॉक्स ओपन करते हैं, हमें दोनों ईयरबड रखे मिल जाते हैं, डिस्प्ले को भी हटाते हैं, और कुछ ऐसा दिखता है ये ईयरबड। तो जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग देख लिया और कुछ ऐसा दिखता है ये ईयरबड, बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो सामने की तरफ आपको मिल जाता है एको की ब्रांडिंग, उसके नीचे आपको मिलता है 1.45 इंच के HD डिस्प्ले जो कि टच डिस्प्ले है, और इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और उसके नीचे आपको मिल जाता है USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और उसके नीचे आपको मिलता है डेडिकेटेड बटन जिसको आप पेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं या डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और पीछे की तरफ पूरा क्लीन है, और ऊपर की तरफ आपको एक गोल्डन सी लाइन मिल जाती है जो कि काफी अच्छी दिखती है। और बॉक्स ओपन करते ही हमें दोनों ईयरबड रखे मिल जाते हैं, और ये भी दो कलर्स के साथ आते हैं, एक गोल्डन और एक ब्लैक, मतलब इसमें दोनों कलर मिक्स है। और दोनों ईयरफोन पे दो दो माइक्रोफोन मिलते हैं जो कि आपको कॉलिंग के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, फिर उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, और ट्रांसपेरेंसी मोड वगैरह के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको चार चार माइक मिल जाता है। और बात करें इसके कंफर्ट के बारे में, लगा के देखते हैं, तो ईयरफोन का कंफर्ट भी काफी अच्छा है, और आप अपने गर्दन को शेक करोगे तो ये गिरेगा भी नहीं, मतलब फिटिंग काफी अच्छी है। और ईयरफोन काफी लाइट वेट है, तो आपको कान में ज्यादा भारी फील नहीं होता है कि आपका कान वगैरह दर्द करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको घंटों तक लगा के रख सकते हो। तो कुछ इतनी सिंपल सी डिजाइन के साथ ये ईयरफोन आता है। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको मिल जाती है 1.45 इंच की डिस्प्ले जो कि फुल्ली फंक्शनल है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 32 डेसिबल तक का नॉइस कैंसिलेशन, इसमें आपको मिलता है ट्रांसपेरेंसी मोड, और इसमें आपको मिलता है AIENC एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, मतलब आप कॉल वगैरह पे बात कर रहे हो और आपके सराउंड में काफी शोर शराबा हो रहा है, तो आपको काफी अच्छा नॉइस कैंसिल करके ये देगा, मतलब आप कॉल वगैरह पे काफी अच्छे से बात कर सकते हो। और इसमें आपको मिलता है 45 ms का लो लेटेंसी मोड जो कि गेमिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, और आपको रियल टाइम में फुट स्टेप वगैरह आएंगे। और इस ईयरफोन में आपको मिल जाता है 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप, मतलब इसको आप एक बार चार्ज कर लो तो आप आराम से 7 से 10 दिन तक यूज कर सकते हो अगर आप नॉर्मल यूजर हो तब। फिर बात करें कि इस डिस्प्ले में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ का साइन, मतलब आपका ईयरफोन अगर कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे व्हाइट कलर का ये चलेगा, और अगर डिस्कनेक्ट रहेगा तो ये रेड कलर का क्रॉस आ जाएगा। फिर उसके बगल में आपको लेफ्ट ईयरफोन कितना चार्ज है, राइट ईयरफोन कितना चार्ज है, और आपका बॉक्स कितना चार्ज है वो मेंशन किया गया है। उसके बगल में आपको दिखाता रहता है टाइम, जो कि काफी अच्छी बात है, मैं पहली बार इतने डिफरेंट काइंड का ईयरफोन ट्राई कर रहा हूँ। फिर इसके नीचे आपको मिल जाता है कि आप प्ले पॉज अपने सॉन्ग को कर सकते हो, फिर अगला गाना सुन सकते हो या पिछला गाना सुन सकते हो, फिर उसके बाद आप अपने वॉल्यूम को भी घटा बढ़ा सकते हो इस बॉक्स से ही। इसमें आपको चार मोड मिलते हैं, एक नॉर्मल मोड, एक ट्रांसपेरेंसी मोड, एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन, और एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वलाइजर भी मिलता है, आपको इसमें बहुत सारे मोड मिलते हैं जैसे नॉर्मल, रॉक, पॉप, क्लासिक, फिर उसके बाद जैज मोड भी मिलता है और सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी आती है क्लासिक मोड पे। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस लेवल का, आप अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। फिर इसमें आपको मिलता है ऑप्शन लॉक स्क्रीन का भी, आपको इसमें 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने हिसाब से अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको मिलता है फाइंड माई ईयरफोन, आप लेफ्ट ईयरफोन या राइट ईयरफोन अगर आपका खो जाता है तो आप साउंड निकाल के अपने ईयरफोन को फाइंड कर सकते हो। फिर इसके बाद इसमें आपको टाइम का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप यहाँ से टाइम और डेट सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कैमरे का, मतलब आप अपने फोन के कैमरे को इससे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप अपने फोन का कैमरा ऑन करके इस बटन को दबाओगे तो आपकी फोटो या वीडियो क्लिक हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फ्लैश लाइट का ऑप्शन, मतलब ये डिस्प्ले व्हाइट जलने लगती है, तो ये है फ्लैश लाइट का ऑप्शन। और अगर आपके फोन पे कॉल आ रहा है तो आप इसे रिसीव भी कर सकते हो या आप कॉल को कट भी कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स के साथ ये ईयरफोन आता है। बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो हम लोग टेस्ट करते हैं कि कैसा ये ईयरफोन। तो इस ईयरफोन में आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है, ना ही आपको ज्यादा बेस मिलता है ना ही ज्यादा ट्रेबल, आपको काफी मेंटेन साउंड मिलता है। इस ईयरफोन में आपको मिल जाता है 13 mm के बेस बूम ड्राइवर्स जो कि काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप नॉर्मल मोड में यूज करते हो तो फुल साउंड पे लगेगा कि वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि 3D साउंड है तो आपको चारों तरफ से साउंड आती है तो ऐसा लगेगा ईयरफोन वाइब्रेट हो रहा है, बट क्लासिक मोड में काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें भी आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सिंगल टैप पे प्ले पॉज, फिर डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल टैप पे आप प्रीवियस ट्रैक यूज कर सकते हो और प्रेस एंड होल्ड पे आप सीरी या गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। और इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलता, आपका सॉन्ग प्ले है तो प्ले ही रहेगा, आपको पॉज अलग से करना पड़ेगा, या फोन से कर सकते हो या इस ईयरफोन से कर सकते हो या ईयरफोन के डिस्प्ले से कर सकते हो। और जिस प्राइस पे ये ईयरफोन आता है, मैंने इतने डिफरेंट सा ईयरफोन कभी नहीं देखा था, पहली बार इतना डिफरेंट सा ईयरफोन देख रहा हूँ जिसमें कि डिस्प्ले हो और कॉल वगैरह भी आप उठा सकते हो और भी बहुत सारे आपको डिस्प्ले में फीचर्स मिलते हैं। और बात करें इस ईयरफोन के प्राइस के बारे में, तो ये ईयरफोन मिलता है 2499 रुपए का, आप एको की वेबसाइट से जाके इसको खरीद सकते हो या तो आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें आपको 2 कलर वेरिएंट मिलते हैं, एक ये वाला मतलब ब्लैक एंड गोल्ड और एक प्लेटिनम व्हाइट मिलता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप ले सकते हो। और बात करें ओवरऑल रिव्यू के बारे में, तो ईयरफोन काफी मुझे पर्सनली पसंद आया क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं और आपको इसमें एक इनबिल्ट डिस्प्ले भी मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात लगी मुझे, और ये काफी डिफरेंट सा है। और एको की वेबसाइट में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट और भी चेक किए थे, ये काफी डिफरेंट डिफरेंट सा प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.4, मतलब आपकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी रहने वाली है, मतलब इसमें सारी चीजें टॉप नॉच डाली गई है और बहुत सारे फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो @techradiator। और बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।